अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि क्योंकि नहीं चली ना। हाँ जी मैं करता हूँ, नहीं हुआ सही, क्लच क्लच की वायर डिड नॉट वर्क, सो वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू गो बैक। शेरोज इज गोना गो फॉरवर्ड, पीछे पीछे कर रहे हैं सर। तो अब पहले गियर में जाएंगे। दैट्स हाउ लाइफ इज गाइस, इट्स अनएक्सपेक्टेड। इज इट लाइफ और इट्स फेट, यू नो वट एवर इट इज, यू डोंट हैव टू फाइट टू मच, फाइट इट टू अ सर्टेन पॉइंट वेयर इट सीम्स लॉजिकल एंड देन surrender. It's not surrender actually, it's like living to fight another day. That's what it is. So that's what we're gonna do. We will be doing Khunjarab very soon, we both, me and Adnan bhai, just not today. It's not our day today. Okay, bye, take care. So we part ways because fate said so. Let's go. So he'll be going in first or second gear all the way to Islamabad. That seems logical now. Yes, it does. So no more speeds boys, no more top speed. बस चिल पिल करते हुए आराम से जाएंगे और नो हरी नो फरी. Damn, I had so many plans. Damn. अब the thing is he cannot stop. If he stops he will halt. सो जिंदगी का सफ़र है सुहाना। आहो यहाँ कल क्या हो किसने जाना, द परफेक्ट सॉन्ग फॉर दिस ओकेजन राइट। अभी हम अगला टूर इंशाल्लाह करेंगे जनवरी में, मैं और अदनान भाई, फुल ऑन सीन प्लान है उस टूर का, लाइक वी आर ऑलरेडी एनर्जेटिक अबाउट इट बिकॉज द प्लान इज टू गो टू, मैं नहीं बताऊँगा। चलो यार जहाँ भी जा रहे हैं द पॉइंट इज वी विल बी राइडिंग न्यू बाइक्स, दैट्स दी प्लान। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे प्लान एग्जीक्यूट हो जाए तो फिर मज़ा आने वाला है। डिवाइस कनेक्टेड, माय ब्लूटूथ सेज डिवाइस कनेक्टेड, पेयरिंग कर नहीं रहा डिवाइस कनेक्टेड, मैंगो है क्या वो देखें, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं टायरों वाली। नारान से 5 किलोमीटर बस निकले थे और मेरे उसकी मेमोरी फुल हो गई है क्योंकि मैंने टाइम लैप्स 1.5-2 घंटे का बना दिया ना, कार्ड भी मैंने अंदर रखे हुए हैं। मैंने सोचा था लाइक आप प्लान कुछ करते हैं हो कुछ जाता है, ज़िंदगी यही है ना। मैंने सोचा था कि हम गिलगित पहुंच जाएंगे और टाइम लैप्स मैंने बनाना है तो सिर्फ बाबू सर टॉप पर बनाऊँगा जो हम रुकेंगे, तो इन द एंड ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। यार गन बहुत फैलाते हैं यार हम लोग टूरिस्ट हजरात, प्लीज़ गन ना फैलाया करो यार। अदनान भाई आराम से, गाड़ी गुजर लेने दें, आ जाए गाड़ी गुजर लेना। बाइक्स पर ज़रा वाटर क्रॉसिंग इजी है क्योंकि बाइक का वेट ज़्यादा है।
लाहौर। हाँ जी दोनों। हाँ जी हाँ शुक्रिया। चलें जी, कोई भी एडवेंचर नहीं किया जा रहा अब, इट्स ऑल स्मूथ राइड, सिंपल प्लेन एट स्पीड ऑफ 30-35। हम नाश्ता करके नहीं निकले थे ना नारान से, तो अभी पीछे अदनान भाई रुके, मैं सामान उनका थोड़ा सा पीछे हो गया था, वो बांध रहे, मैं पीछे आया हूँ अब पानी लेने। पानी कहाँ से पकड़ूँ, किस स्टोर से? 110। कैसे लोग आसानी से कूड़ा फेंक देते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं वो, कितना डैमेज कर रहे हैं, लेकिन सिविक ड्यूटीज़ नहीं पूरी करते लोग अपनी। अदनान भाई से बात हो रही थी सही के हम लाहौर जाएंगे नॉन स्टॉप, मैंने कहा भाई वो गन्ने के रोपे नहीं है, प्लीज़ उसकी ब्रेक ले लीजिएगा प्लीज़, तो मान गए। वाह 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 वाह, वेरी गुड मैन, वेरी गुड मैन। ही अगला टूर कहाँ करूँ मैं? मैं अभी बाइक चलाते हुए ये सोच रहा हूँ कि मैं ये वीडियोस अपलोड करके कराची आ जाऊँ, बताएं कराची आऊँ या मैं कहाँ जाऊँ? तोबट भी और शोंटर भी करेंगे और चिटाकथा लेक की हाइक भी करेंगे, तो प्लान बन रहा है, दिमाग में खराफात आ रही है ना, तो क्या कर सकते हैं। ये देखें साइकिलिंग कौन कर रहा है, लोकल तो नहीं हो सकता, मस्ट बी अ फॉरनर, डेफिनेटली अ फॉरनर। नाइस, यार कूड़ा ना फेंका करो, हज़ार दफ़ा बोला यार, कभी मान भी लिया करो यार किसी बंदर की बात, यार प्लीज़ यार प्लीज़ 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 ना फेंका करें कूड़ा। मुझे लगता है अंकल ना सोलो बांग्लादेश करके हैं, वेरी नेक्स्ट लेवल, वेरी गुड। आ जाए आ जाए, ओह टॉप स्पीड। बारिश 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 बारिश, नो 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 नो, प्लीज़ प्लीज़ देर बी नो बारिश प्लीज़ नो वे। ये बड़ा खूबसूरत पैच है, वेरी ब्यूटीफुल। यस नाइस 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 चॉइस, नाइस सिलेक्शन ऑफ फ्रूट अदनान भाई। चलो विल सी यू गाइस टुमारो, नहीं टुमारो नहीं, थोड़ी देर बाद देखता हूँ तुम, तो मैं रुको जरा तुम। नीचे उतरे, नीचे उतरे, ये देखें सामान खोलें फिर बांधते हैं। टाइट टाइट स्पॉट के अंदर कोई बंदा कैसे एंजॉय कर सकता है, चेक दिस आउट। अदनान भाई जो है ना एंजॉय मार रहे हैं फुल टाइम, क्लच इनका काम करता कोई नहीं है, जिग जैगिंग ऐसे मार रहे हैं, मर्जी है इनकी, आराम से आराम से। आए 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 आए, यहाँ भाई भी यार बहुत स्लिप होती है भाई, बार बार उतार गया मैं आपको। अदनान भाई की ऑडियो मैं सुन रहा हूँ, कानों में आंसू आ रहे हैं इनकी बातें सुन के, कहते हैं क्यों धोखा दिया, क्यों मेरा दिल तोड़ा, आखिर क्यों क्यों क्यों। ओए 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 ओए, व्हाट्स अप डूड, वैसे हाँ इसने नीचे आ जाना था, नीचे आ जाना था, इसका बारबेक्यू कर लेते फिर हम। ओए बंदा मेरे आगे आ गया यार, बस चाइनीज़ एस्टेब्लिशमेंट चेक करें आप, हैवी सीन चल रहा है इधर।
कोई बिजली का प्रोजेक्ट चल रहा है हाइड्रो, उसके सिलसिले में एक मुफस्सल सेटअप चला हुआ है कंस्ट्रक्शन का, 4x4s। ओहो, इतने लीन नहीं करना, इतना लीन नहीं करना। सो बस वी हैव रीच्ड मकड़ा पॉइंट। ना चाहते चाहते भी हमने यहाँ से खाने का ऑर्डर कर दिया, और आज देखेंगे कि यहाँ का खाना कैसा है। अगर अच्छा ना हो तो फिर कभी भी नहीं रुकेंगे, अच्छा हुआ तो फिर आप भी रुक जाएंगे, हम भी रुक जाया करेंगे। बाइक्स लुक गुड, नींद आ रही है और मज़ा भी आ रहा है। मौसम अच्छा हो गया, मौसम बेस्ट हो गया। आओ, वो टाइम लैप्स निकल रहा उधर से, मेरा नहीं है, अदनान भाई का टाइम लैप्स। अभी इन्जॉयस कर रहे थे, यहाँ लेटे हुए थे सुकून से, और अब दोबारा लेट जाएंगे। अगर आप बाइकिंग करते हैं तो लेटना बहुत ज़रूरी है आपके बैक के लिए। जो लोग पूछते हैं ना कि बैक की पेन होती है, ये उनके लिए आप लेट जाएं, गुड हो जाएगा। जब थकें तो चारपाइयाँ जहाँ पड़ी होती है ना वहाँ रुकें, ताकि आपको लेटने का मौका मिल जाए और आपकी कमर सीधी हो जाए। तो स्मॉल टिप, तो मैंने आपको कहा था खाने का रिव्यू देता हूँ आपको, बहुत ही फजूल खाना, ऐसे ही सूखा हुआ चिकन था हाफ फ्राई, बहुत ही पारे किस्म का, दाल भी नहीं मज़े की थी, बड़ा ही गुजारा नुमा चीज़। और फिर भी हमने जो है ना चाय ऑर्डर कर दिया, क्योंकि अब रुकना नहीं है, नॉन स्टॉप नारान से लाहौर पनेली पर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना है, अदनान भाई ने करना है, हमने तो पहले किए हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड। शुक्रिया जी, जजाक अल्लाह। गाइस, फजूल सा खाना खाने के बाद, और नजीब भाई का नंबर मैंने दे दिया, ये रहीम यार, आहो रहीम यार खान के ये भाई मिले थे, कह रहे थे हमने टूरिंग शूरिंग करनी है, तो हूँ जान उनके आप ही। हल्की हल्की सी बूंदियाँ मांदी शुरू हो रही हैं, लेकिन तेज़ बारिश के कोई आसार नहीं है, क्योंकि बादल गहरे नहीं हैं। हाँ, ये दरख्त कितने प्यारे लग रहे हैं, ओए इतना प्यारा रास्ता था ऊपर, ओए होए 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 होए। एक मिनट रुकते हैं। आप स्लो स्लो चले, मैं आता हूँ एक शॉट लेके, स्लो स्लो चले, बस आया, एक शॉट एक शॉट एक शॉट। ओ खूबसूरत अदनान भाई, मैं जो यहाँ जो देख रहा हूँ ना, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरे पास टाइम नहीं, नहीं तो मैं निकल के यहाँ पिक्चर बनाता। क्या खूबसूरत है ये, खूबसूरती की इंतहा ब्रो। और बारिश शुरू हो गई, और डर लग रहा है। निकलो 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 निकलो, ये यहाँ यहाँ आया करना है, यहाँ आया करना है, जब भी आना करना है। खूबसूरत था, खूबसूरत से ज़्यादा खूबसूरत, खूबसूरत से ज़्यादा अच्छा बड़ा लफ्ज़ क्या होता है, शदीद खूबसूरत। ओ बॉयज, ओ ये ऑलराइट, 302 पर ये क्या हरकतें कर रहे हैं, एडवेंचर टूरिंग इनके पास आ गई तो ये क्या करेंगे। अदनान भाई आप तो बाइक से उतर ही जाएंगे हैं। अच्छा मैं भी खड़ा जाता हूँ, इसमें क्या, मैं भी खड़ा जाता हूँ, नो प्रॉब्लम। बारिश यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट आ रही है, इतनी प्यारी लग रही है, आपको नज़र नहीं आ रही होगी, बिल्कुल मेरे मुंह पे आ रही है, ऐसे हवा मेरी तरफ की है, और अब बारिश रुक गई है इस तरफ से, क्योंकि ऊपर दरख्त है ना, तो दरख्त जब होते हैं ना तो फिर पीछे सूरज होता है, तो पीछे हवा जब होती है तो बारिश हवा और सूरज जो होता है तो वो फिर दरख्त होता है, तो फिर ऐसे हो जाता है। सी आगे बात पूरी, आप चलाई जा रहे हैं, चलाई जा रहे हैं, मैं इधर रोक रहा हूँ बाइक। तो जस्ट एज प्रॉमिस्ड, हम बारिश में बाइक नहीं चला रहे, एक घंटे से बैठे हुए हैं बारिश में, बालाकोट में कैट्स डॉग्स बारिश,
डॉग ऊपर था, वो दो डॉग डॉग्स एंड चिकन्स, बारिश चल रही है और सारा कुछ वाटरप्रूफ किया हुआ था, ख़ुद भी वाटरप्रूफ थे, लेकिन फिर भी हम रुक गए एज़ प्रॉमिस्ड, क्योंकि बाइक्स के टायर जो है ना वो नहीं है, वो बहुत ही चिकने हैं, ठीक है, तो चिकना टायर जो है ना वो स्लिप होने का खदशा। चेक कर रहे हैं आप इसको, क्या ग्रिप है इस टायर की, मैंगो ग्रिप है इसकी, कुछ भी नहीं है, ये लाइटें लगी हुई हैं। ओह बारिश रुकेगी तो हम जाएंगे आगे, अगर पिंडी में तक बारिश ना रुकी तो फिर हम पिंडी रुक जाएंगे रात, दैट्स द प्लान, लेट्स सी। चलो जी ए हूँ तो कल आने काम आ गए साढ़े, हैं जी चलो जी, पत्नी पत्नी लगा दें लगा दें। ये भी नया एक्सपीरियंस होना था, नहीं आइंदा आइंदा रुकना ना तो बाइक पीछे मोड़ लेनी है आपने, जो बाइक का कवर है वो वाटरप्रूफ है इसलिए वो सामान के ऊपर चढ़ा दिया गया है, ये अच्छा है। बाइक का कवर साथ रखें, पार्किंग में बाइक पे लगाएं और बारिश में वही कवर आपका वाटरप्रूफ, जीनियस, खूबसूरत, बेहतरीन, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह। ना भाई स्लाइडिंग एरिया स्लाइड होना है, इधर से स्लाइड करना आपने। छोड़ो ऑर्डर फाइल्स, आप बताएं आपको कैसी लग रही है वीडियोस और फोटोज, और यार वो कुछ लोग कहते हैं कि फ़ोटोज़ क्या करनी है, वीडियोस लगाओ, यार क्या हो गया यार, आपका भाई फोटोग्राफर भी है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी हो जाओ ना, ऐसे ना करो, फोटोग्राफर भाई है, भाई की रूह थोड़ी देर बाद जाग जाती है फोटोग्राफर की, तो मोबाइल से तस्वीरें और गोप्रो से वीडियोज़, तो दोनों चीज़ें आपको हाजिर खिदमत, आपके खिदमत में हाजिर, तो जिसको वीडियोस पसंद है वो वीडियोस देख सकता है, जिसको फ़ोटोज़ पसंद है वो फ़ोटोज़ देख सकता है, ऐ तो फिर गल ना ना ही कि तस्वीरें ना लाया करो, मर्जी होगी भाई, ऐ कौन कह रहे हैं, कौन है ये आगे जो बाइक जा रही है ना, ये 302R वाले भाई, इनका जो है ना वो है सेटअप बनेली प्रो, इंस्टाग्राम फेसबुक में भी है ना अदनान भाई, Benelli.pro इंस्टाग्राम पे और Benelli.pro फेसबुक पे और लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। यार ये अच्छा स्पॉट बैठने का, गुड यार, बालाकोट के जो TM, ये बालाकोट के TM में लिखा हुआ था, TM बालाकोट, इन्होंने अच्छा किया हुआ है ये, एक तो यहाँ ग्रीनरी भी बहुत है, दूसरे नंबर पे जगह जगह बैठने के स्पॉट्स बनाए हुए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ आपको लग रहा होगा कि 30 है लेकिन 120, 5:09 यार सेशन से नहीं बन रही वीडियो, आई वॉन्टेड टू मेक इट लाइक ऐसे, लेकिन ऑल स्टफ यू नो द प्लान हैज़ गॉन टू यू नो आओ, तो आपका भाई चाह रहा था कि सेल्फी से भी थोड़ी सी फ़ोटोज़ निकाले, सेशन डाल के इधर और 7 के साथ, 7 को माउंट पे लगा के तस्वीरें निकालो, लेकिन वो फिर आपको पता है थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हो गया प्लान, इसलिए हमें वापस आना पड़ा। अगला जो टूर है, क्या पता मैं कराची आ जाऊँ, अदनान भाई कराची जा रहा हूँ मैं, बेस्ट ऑफ लक, बंदा रोकता है कहता है पुठे काम ना करो कार बैठो, लेकिन ऐसे बंदे होते हैं जो मजबूर करते हैं कि बंदा जाए, बारिशों में तो मज़ा है, मैदानी इलाकों में बारिशों के तो मज़ा है, मैदानी इलाकों में मानसून में सफ़र करना का मज़ा आता है, मानसून में आपको पहाड़ों में नहीं करना चाहिए सफ़र यार, बहुत ख़तरनाक है, वेरी वेरी डेंजरस, आओ ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर, ख़ास तौर पे कश्मीर, हमें तो बहुत अच्छा मिला, हाँ बेहतरीन मौसम है, वेरी नाइस, बेहतरी होती है जी किसी भी काम में, और या यार YBR वर्सेस TNT में क्या बताऊँ आप लोगों को, अभी इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ, वीलॉग आगे बड़ा लंबा हो गया, YBR का जो ग्रिप है ना वो इससे बहुत अच्छी है, ठीक है, इसकी ग्रिप क्योंकि ये ट्रैक टायर लगा हुआ है इसलिए कंप्रोमाइज्ड है, ये वाला जो रोड है ना ये टूटा हुआ है, अब इसके ऊपर इसकी ग्रिप अच्छी है, लेकिन नारान जाते हुए रास्ते में कई जगह पे आपको ऐसी टर्न्स मिलते हैं कर्व्स जहाँ रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी हुआ है, वो घिस चुका हुआ है, ठीक है, वहाँ आपकी बाइक ना निकल जाएगी आपके हाथ से, हाँ जी। तो YBR की ग्रिप इससे अच्छी है, डैट्स फॉर श्योर,
फाइनल फुल एंड फाइनल हो गया और YBR इजी टू राइड, ठीक है, सिटिंग पोजीशन को ले लें अगर आप, अगर आप माइलेज को ले लें YBR का अच्छा है, पावर ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा है, लेकिन खड्डे वड्डे जब आते हैं ना तो ये बाइक स्लो करनी पड़ जाती है क्योंकि अगले शॉक इसके ना स्टिफ हैं, ठीक है। लास्ट टाइम इंटरकॉम नहीं था तो हम मिल नहीं रहे थे एक दूसरे को, फिर फ़ोन करो, मैसेज करो, कॉल करो, तो अब बड़ा ज़बरदस्त रहा है इकट्ठे एक दूसरे के साथ। और पहाड़ों में डिस्टॉर्शन ज़्यादा होती जाती है, पहाड़ों में इसका डिस्टेंस कम हो जाता है, ये भी है, लॉन्ग हाईवे पे सही है। चलो यार, मैं थोड़ी देर बाद आपका दोबारा सर खाऊंगा, पता नहीं क्या करना है अब। यार बॉयज, मौसम चेक करो, चिकटी सी आउट, चिकट। बार बार मैं बताता हूँ कि सफ़र में से वीडियो मैं नहीं अपलोड कर सकता, नो इंटरनेट, ओके। बार बार पूछते हैं बॉयज़, कुछ लोग वीडियो छोड़ देते, देखते नहीं हैं वो लाइव, तो उसमें मैं बताता हूँ ऐसी बातें। तो अब मैं कई वीडियोस में मेंशन कर दिया करूँगा ताकि आप लोगों को हज़म हो जाए बात। यार स्पीडोमीटर मेरा नज़र नहीं आ रहा, तो आपको फीलिंग्स नहीं आ रही होंगी, है ना, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था ये सैडल, ये बैग लगाने के अलावा, क्योंकि इस बाइक के ऊपर सामान रखना इज़ लाइक अजाब, कुछ भी नहीं आता। सैडल बैग, पैनियर्स लगे हों, उसकी फील्स ही अलग होती है, वेरी सिक्योर और बड़े कॉन्फिडेंटली आप उस पर सामान रख सकते हैं। प्लस कंपार्टमेंट्स बने हैं, तीन पैनियर्स हैं, एक में आप टूल्स रख लें, एक में आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रख लें, अपना लैपटॉप जो भी अगर आप वीडियोज़ बनाते हैं, अदरवाइज तीसरे में आप कपड़े रख लें, यू नो, साथ मेडिसिन रख लें अपने सारे, जो भी चीज़ें होती हैं, पंक्चर का सामान। अब इसमें क्या रख सकता बंदा, पीछे बैग रखा हुआ है, एक बैग में लैपटॉप है ये और सारा सामान, और फिर उसके ऊपर एक छोटे से थैले में कपड़े हैं, तो ये भी देसी माहौल हमने बनाया हुआ है। लेकिन ये जो फ्यूल कैन जो है ना, इसने जो काम उठाया ना इस दफ़ा, हाय 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 हाय। अदान भाई ने अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि आज के इंसिडेंट के बाद हमारे लिए ये शदीद ज़रूरी हो गया कि आइंदा जब हम आएँ तो जौन सी बाइक पे भी आओ, कम अज़ कम क्लच की वायर जो है ना, रेस की वायर, वो ले आओ साथ ना, ताकि हाँ ये तीनों, रेस, ब्रेक और क्लच, तीनों ले लें, एक्सपायर भी नहीं होती, ख़राब भी नहीं होती। जब टूर पे हैं एक पैकेट बना लें, उसमें रख लें अपना टूल्स का, एक पैकेट बना लें जो टूर का हो, बस वो उठाया उसको रखा, ये ना हो कि बार बार आप उसको यूज़ करते रहें रूटीन में भी, और फिर टूर पे बीच में से कोई चीज़ मिसिंग हो तो फिर बड़ा मस्त हो जाता। ये अच्छा है, करना चाहिए एहतियाती तदाबीरियात। हाँ वो होता है ना कि एट टाइम्स आपको लगता है कि यार मैं ना लेफ्ट पे हुआ तो फिसल जाऊँगा, आगे ग्रेवल आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो वहाँ फिर आप राइट पर करें और पिछली गाड़ी की परवाह किए बग़ैर, पता है ना ख़तरा है, तो ये क्या बात है फिर। हाँ गाड़ी वाले तो क्योंकि ज़्यादा सिक्योर होते हैं ना, चार टायर होते हैं, अगर वो दो टायरों पे चला रहे हो तो बंदा उनसे पूछे क्या कर रहा है, बदतमीज़ आदमी ऊपर चढ़ाई जा रहा है, अब देख भी नहीं रहा, ये ऊपर चढ़ा रहा था गाड़ी वाला। हाँ दिन से रात हो गई और हमने ना अजमान भी जा रहे, क्योंकि हमने मानसरा और एबटाबाद क्रॉस करना था, तो एबटाबाद में आपको पता जो ट्रैफिक होती है, उस ट्रैफिक में विदाउट वॉच इस बाइक को हमने कैसे निकाला है। मुझे वहाँ एक सब्सक्राइबर मिल गए बाइक पर, वो भी टूर करके कहीं से आ रहे थे, उनसे मिलने का मौका नहीं मिला क्योंकि हम बड़े अपने मैस में पड़ गए थे, तो उन्हें पता होगा कि हम किस अल तरफ से गुजरे हैं। बहर अल पता नहीं, 50 दफ़ा बाइक बंद होगी, फिर मुझे पीछे से बाइक को पुश करना था, रोड स्लिपी था, मेरा टाइम स्लिप कर रहा था और रोड भी थोड़ा ऑन, अब जाकर तो सफ़र ख़त्म हुआ है। शेल्टन होटल ये, और ये जो LED इशारे होते हैं ये अच्छे हैं नो, तो हियर आई एम। कितनी देर बाइक चलाई हमने, सुबह
सात बजे से निकले हुए हैं, सुबह सात बजे से निकले हुए हैं और अभी तक दो बज गए। इन्हीं कपड़ों में अजीब सा उलझन होने लग जाती है। अभी जाके नहाएंगे ना,